नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 51 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। भाजपा 26 और पीडीपी 4 सीटों पर आगे है। निर्दलीय और छोटी पार्टियां 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम और गादर बल दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजाम मुफ्ती शिगु फवारा बिजबेहरा सीट से पीछे है। उन्होंने कहा, मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूँ। उधर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से 11,000 से ज्यादा वोटों से पीछे है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में 63.88% वोटिंग हुई थी। बता दें कि 10 साल पहले 2014 में भी हुए चुनाव में 65% वोटिंग हुई थी। इस बार 1.12% कम वोटिंग हुई है, जबकि 5 अक्टूबर को आए एग्जिट पोल में 5 सर्वे में एनसी कांग्रेस की सरकार को बहुमत दिया गया था। 5 एग्जिट पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है, यानी छोटे दल और निर्दलीय विधायक किंग मेकर होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए केसरिया न्यूज़।